तो चलिए स्टार्ट कर दे, 3 2 1 गो। एक छोटा सा एक्सेलरेशन टेस्ट। और रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलाइट सेटअप होने के बावजूद इसमें आपको काफ़ी ब्राइट हेडलाइट थ्रो देखने को मिलती है। एंड ये स्कूटर आपको एक बड़ा स्कूटर का भी फील देती है, उसी के साथ साथ ये काफ़ी लाइट वेट भी है। तो अभी बात करते हैं क्या आपको 2024 में यामा एरोक्स 155 को लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज मैं बात करने वाला हूँ न्यू यामा एरोक्स 155 के बारे में। लास्ट 5 डेज से इस स्कूटर को मैं चला रहा हूँ और ऑलमोस्ट मैं 250 किलोमीटर के आसपास इसको चला चुका हूँ। तो आज मैं आपको एक प्रॉपर राइड रिव्यू, एक प्रॉपर राइड एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मेरे को इस स्कूटर में क्या कुछ अच्छा लगा, क्या कुछ बुरा लगा, क्या कुछ और बेटर हो सकती है, बाकी 2024 में इसकी कितनी अपडेटेड ऑन रोड प्राइस है, क्या कुछ फीचर्स कंपनी ऑफर कर रही है, कितनी माइलेज आपको इस स्कूटर से मिल सकती है, एक प्रॉपर रिव्यू इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक ये भी आपको पता लग जाएगा कि 2024 में इस यामा एरोक्स को लेना कितना ज़्यादा सही होगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। ओके तो दोस्तों, राइड रिव्यू शुरू करने से पहले क्यों ना एक छोटा सा वॉकराउंड कर लिया जाए ताकि आपको एकदम प्रॉपर इसकी फीचर्स के बारे में सब कुछ बता पाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो की अगर बात करें तो इसमें आपको एकदम प्लेन बेसिक की देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको यामा की बैजिंग की के ऊपर देखने को मिल जाएगी। 2024 में यामा एरोक्स टोटल 2 वेरियंट के साथ आती है। पहले आपको 2024 में फर्स्ट तक इसमें आपको एक ही वेरियंट देखने को मिलता था जो आपके सामने है। अभी इसमें आपको एक एस वेरियंट देखने को मिलती है। एस वेरियंट मतलब वो स्मार्ट की वाली वेरियंट। तो यामा एरोक्स में भी आपको एक स्मार्ट की वाली वेरियंट देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको ऐसा मैकेनिकल की देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे एक वायरलेस की दिया गया है जिससे आप स्कूटर को जो लोकेट वगैरह कर सकते हो। उसका एक डेडिकेटेड वीडियो रिसेंटली मैं चैनल पे अपलोड किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसका क्या प्राइस है, क्या फीचर्स वगैरह मिलती है इस वेरियंट पे, उसको अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वो वीडियो जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये जो कलर आप देख पा रहे हो, ये आपको 2024 में फर्स्ट तक ये आपका बेस वेरिएंट पे ही देखने को मिलता था, बट जब से स्मार्ट की वाली वेरिएंट लॉन्च हुई है तब से ये रेसिंग ब्लू कलर आपको वो स्मार्ट की वाली वेरिएंट पे ही देखने को मिलती है। ये कलर आपको बेस वेरिएंट पे नहीं देखने को मिलेगा, बेस वेरिएंट पे आपको मिलेगा ग्रे वर्मिलियन कलर, मेटालिक ब्लैक एंड आपका मॉन्स्टर एनर्जी मोटोजीपी एडिशन आपको बेस वेरिएंट पे देखने को मिलेगा। और स्मार्ट की वाली वेरिएंट पे आपको डिफरेंट कलर मिलती है, रेसिंग ब्लू कलर है और वो आपका सिल्वर के साथ जो गोल्डन कलर है वो आपको टॉप एंड वेरिएंट यानी स्मार्ट की वाली वेरिएंट पे देखने को मिलेगा। प्राइस जो आगे बात करने वाले कलर वाइज जो है प्राइस में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अभी फीचर्स की अगर बात करें तो पहले इसकी इग्निशन को यहाँ पे कर लेते हैं ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, जैसे आप इसकी इग्निशन को ऑन करते हो फर्स्ट सामने में इसकी जो एलईडी डीआरएल है वो आपको यहाँ पे जलती हुई देखने को मिलेगी। और जो लाइट है ना, रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलाइट सेटअप इसमें आपको देखने को मिलती है। ये स्कूटर जितना सामने से देखने में एग्रेसिव लगती है उतनी इसकी लाइट थ्रो भी काफ़ी कमाल की है। जैसे आप स्कूटर को स्टार्ट करते हो तभी जाके इसकी जो मेन हेडलाइट है वो आपको जलती हुई देखने को मिलेगी और बहुत ही ब्राइट लाइट थ्रो है। मैं ट्राई कर रहा हूँ इसके लाइट थ्रो के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लाने के लिए। बाकी ब्लिंकर्स जो है इसमें आपको मिलती है, बल्ब ब्लिंकर्स जो साइड में माउंट किया गया है, उसी के साथ साथ इसमें आपको हैजर्ड भी कंपनी ऑफर कर रही है, ये आप देख पा रहे होंगे। और एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार बंद करके दोबारा इसको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, इसमें आपको मिलती है साइलेंट सेल मोटर। देखिए मतलब सेल जब भी आप दे रहे हो स्कूटर में कोई भी वाइब्रेशन भी आपको महसूस नहीं होगा और कोई भी साउंड भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा, सेल्फ की कोई भी साउंड आपको यहाँ पे सुनने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे पैनल की अगर बात करें तो ये जो पैनल आप देख पा रहे हो ये भी फाइबर की है, ये भी फाइबर की है। मैक्सिमम पार्ट जो है इसमें आपको फाइबर की देखने को मिलती है। यामा की बैजिंग आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, इधर आपकी नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिलती है, यामा की एक लोगो आपको सामने में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, एक छोटा सा मीटर सील दिया गया है, इसमें आप एक्सेसरीज भी लगा सकते हो, नकल गार्ड इसमें आपको एक्सेसरीज के दौरान देखने को मिल जाती है। और यामा की स्कूटर में आपको ब्लू कोट टेक्नोलॉजी डेफिनेटली देखने को मिलती है। इनफैक्ट अटेंशन टू डिटेल आप देखिए, इधर जो टेक्सचर दिया गया है ना ये भी देखने में एक्चुअली बहुत ही बढ़िया लगता है। अटेंशन टू डिटेल स्कूटर में आपको भर भर के देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्रंट में जो फेंडर दिया गया है आपका डुअल पैनल फिनिश में फेंडर दिया गया है। सस्पेंशन जो है फ्रंट में आपको मिलती है 26mm की टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, जहाँ पे आपको फोक प्रोटेक्टर भी देखने को मिल जाएगी। सामने में आपको डिस्क ब्रेक भी मिलती है, तो 230mm की डिस्क दिया गया विथ सिंगल चैनल एबीएस के साथ, निसिन की कैलिपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रंट जो टायर इसमें आपको मिलती है 110/80 14 इंचज की एलॉय व्हील के साथ, आपको इसमें ट्यूबलेस टायर दिया गया, पर्टिकुलर इस स्कूटर में C8 की टायर इंस्टॉल किया हुआ है। उसी के साथ साथ साइड में आपको लिक्विड कूल 155 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। इधर जो स्टिकरिंग में जो स्क्रैचेस दिख रहा होगा ये पहले से ही था, डीलर से जब मैं स्कूटर को लिया था तब से था। एंड
ये एक प्रॉपर मैक्सी स्कूटर है जिसके कारण इसमें स्पेस की कोई भी आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। उसी के साथ साथ आपको इसमें पैड रखने के लिए जो जगह दिया गया है ना, इधर जो पैड है इसको भी आप चाहे तो रिमूव करके आराम से इसको क्लीन करके दोबारा इसको लगा के जो है आप यूज़ कर सकते हो। इधर भी आपको टेक्सचर देखने को मिलती है, साइड में आपको एरोक्स की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, VVA टेक्नोलॉजी आपको इसमें भी देखने को मिलती है, वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन, इसके बारे में आगे बात करने वाले। 5.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। आपको अगर इसको खोलना है सिर्फ ओपन की तरफ आपको इसको लेके जाना है, उसके बाद आप अगर इस फ्यूल स्विच को प्रेस करते हो तब जाके इसकी जो फ्यूल लेड है ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। बस इसको घुमा के रिमूव करके आप इसमें फ्यूल डाल सकते हो। E20 फ्यूल डेफिनेटली सपोर्ट करती है। माइलेज का एक डेडिकेटेड वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। जब तक आप वीडियो देख रहे हो आई थिंक आपको माइलेज टेस्ट की वीडियो जो है लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रॉपर माइलेज जानने के लिए माइलेज टेस्ट की वीडियो देखना मत भूलिएगा। बाकी यहाँ पे बाहर की तरफ आपको इसमें फ्यूल लेड दिया गया, तो सीट को ओपन करने की कोई भी जरूरत यहाँ पे आपको नहीं पड़ेगा। यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट की आपको इसमें बैजिंग देखने को मिल जाएगी, मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें दिया गया। एंड सारी पैनल में आपको इसमें टेक्सचर दिया गया, एक टेक्सचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सारी पैनल में आपको ये टेक्सचर जो है देखने को मिलती है। सीट नो डाउट बहुत स्पेसियस है और स्पेशली राइडर के लिए जो स्पेस मिलती है ना, जस्ट नेक्स्ट लेवल। इनफैक्ट आपका बैकबोन को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ हम भी देखने को मिलती है। पिलियन के लिए स्पेस थोड़ा सा कम हो जाती है, बाकी पिलियन कम्फर्ट कैसा है। यहाँ पे ज़्यादा पैडिंग नहीं है, ये आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा थिक है ये पोर्शन। इसमें आप अगर थोड़ा सा आफ्टर मार्केट थोड़ा सा आप अगर इस सीट को मॉडिफाई करवा लेते हो और भी तगड़ा आपको कम्फर्ट मिलेगा। व्हाइट स्टिचिंग आपको इसमें देखने को मिलती है, बाकी आपका बैठने की जगह जो है बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिलती है। एक बार मैं आपको यहाँ पे अंडर सीट स्टोरेज भी दिखा दे रहा हूँ, तो 24.5 लीटर की आपको इसमें बूट स्पेस देखने को मिलती है। एक हाफ साइज हेलमेट इसके अंदर आराम से आ जाएगा, या फिर आपके पास अगर वेगा की फुल फेस हेलमेट है वो भी आई थिंक इसमें आ जाएगा, बट कोई भी MT या फिर LS2 की हेलमेट इसके अंदर, फुल फेस हेलमेट इसके अंदर नहीं आ पाएगा। बाकी स्पेस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अलग से आपको कोई भी यहाँ पे बूट लाइट देखने को नहीं मिलती है। इधर आपकी ब्लूटूथ किट जो है लगा हुआ है, फिलहाल जो इसको मैं बंद कर रहा हूँ। यामा की बैजिंग इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ऊपर से आपको देख के लगेगा कि इसमें कोई भी ग्रैब रेल नहीं मिलती है, बट एक्चुअली इसमें ग्रैब रेल है। नीचे की पोर्शन में जो है आप इसको होल्ड कर सकते हो, ऐसे जो है नीचे से आप इसको होल्ड कर सकते हो, दोनों साइड पे जो आपको यहाँ पे स्पेस मिलती है। तो बॉडी में ही जो इसमें आपको ग्रैब रेल दिया गया है। 155 की आपको इसमें बैजिंग देखने को मिल जाती है। इंजन की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलती है 155 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल SOSC 4 valve इंजन सेटअप। पावर फिगर की अगर बात करें तो 15 PS की मैक्स पावर मिलती है, 13.9 Nm की मैक्स टॉर्क मिलती है। कोई भी किक स्टार्ट इसमें आपको देखने को नहीं मिलती है। साइज 10 इंजन कट ऑफ सेंसर इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, मिडिल स्टैंड भी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलती है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, कोई भी एडजस्टेबल नहीं है बट बहुत ही कंफर्टेबल सस्पेंशन सेटअप इसमें आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको मिलती है लिक्विड कूल इंजन, तो रेडिएटर आपको साइड में यहाँ पे रेडिएटर भी दिख रहा होगा। उसी के साथ साथ 790 mm ओनली इस मैक्सी स्कूटर की सीट हाइट है, 145 mm इस स्कूटर की ग्राउंड क्लियरेंस है और 126 kg ओनली इस स्कूटर की वेट है। काफ़ी लाइट वेट है, कोई लेडी राइडर भी इस स्कूटर को इजीली चला पाएंगे। एग्जॉस्ट एक प्रॉपर बाइक की तरफ आपको इसमें एग्जॉस्ट दिया गया, बाकी बाहर की तरफ आपको यहाँ पे एक फाइबर की कवर भी देखने को मिलती है। एक बार एग्जॉस्ट नोट चलिए मैं आपको स्टार्ट करके सुना दे रहा हूँ। बहुत ही स्मूथ है, ज़्यादा साउंड भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। आई थिंक आपको प्रॉपर यहाँ पे एग्जॉस्ट नोट सुनने को मिल गया होगा। उसी के साथ साथ साइड में आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है, पीछे में आपको मिलती है प्रॉपर LED में टेल लाइट, बल्ब ब्लिंकर्स जो आप LED में एक्सेसरीज के दौरान चेंज कर सकते हो, नंबर प्लेट का लाइट आपको मिलती है बल्ब में, इधर आपकी नंबर प्लेट होल्डर, यहाँ पे आपका हरदियार फेंडर दिख रहा होगा। उसी के साथ साथ पीछे से इसकी लुक आप देख पा रहे हो, क्योंकि हरदियार में आपको मिलती है 140 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर। जी हाँ गाइस, इसमें आपको 140 सेक्शन की टायर दिया गया, बाकी इसमें आपको दिया गया रियर में 130 mm की ड्रम ब्रेक। उसी के साथ साथ इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलती है, तो ये जो रिंग दिख रहा होगा ABS जैसी जो आप रिंग देख पा रहे हो, ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल की रिंग है। उसी के साथ साथ इसकी स्विंग आर्म भी आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा। एंड यहाँ पे फुटरेस्ट की अगर बात करें तो प्रॉपर एल्युमिनियम फिनिश में आपको यहाँ पे फुटरेस्ट दिया गया, जिसका डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। और VVA है, VVA के बारे में अभी बात करते हैं। VVA मतलब वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन, तो यहाँ पे VVA के कारण आपको
इनिशियल टू मिड रेंज पावर भी काफ़ी बेहतरीन मिलती है और टॉप एंड में भी ये स्कूटर काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे पाती है। वो एक ही रीज़न है VVA के कारण, जैसे आपको R15 या फिर MT15 में भी देखने को मिलती है। एंड सामने में आपको यहाँ पे एक ग्लव बॉक्स भी मिलती है जो बहुत ही प्यारा तरीके से पुश करने से ओपन हो जाती है और ऐसे ही पुश करने से ये बंद भी हो जाती है। इसके अंदर आपको मिलती है 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको स्पेस भी मिलती है, तो आपका फ़ोन को यहाँ पे रख के आप इजीली चार्ज कर सकते हो और इसको बस ऐसे पुश करने से ये बंद भी हो जाती है। हैंडल बार काफ़ी कॉम्पैक्ट है, यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम की स्विच, इंडिकेटर की स्विच, हॉर्न, सिंगल हॉर्न मिलती है, इधर आपका हैजार्ड की स्विच, यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर्स भी दिया गया है जिसको आप चाहे तो ऑफ ऑन कर सकते हो, इधर आपका साइलेंस सेल्फ मोटर की स्विच, उसी के साथ साथ इधर आपका मेटल की रियर ब्रेक लीवर, इधर आपका मेटल की फ्रंट ब्रेक लीवर, मिरर से भी आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिलती है और इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है जिसको एक बार ऑफ करके ऑन करके दिखा दे रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक फुल स्वाइप लेती है, क्या कुछ मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रैक्शन कंट्रोल की सिग्नल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नीचे में इसकी फ्यूल गेज है, उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ओडो डिटेल्स, आपका यहाँ पे स्पीडो डिटेल्स, आपको यहाँ पे टाइम शो करता है, इधर आपका RPM मतलब टैकोमीटर आपको यहाँ पे अलग से दिखाता है, Trip 1, Trip 2 एंड आपका इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, उसी के साथ साथ एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो अभी 38 का शो कर रहा है एंड उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे बैटरी वोल्टेज देखने को मिलती है। इस मीटर कंसोल की ब्राइटनेस को जो है आप 3 स्टेप में जो है कम ज़्यादा कर सकते हो, तो अभी मैक्सिमम ब्राइटनेस पे अभी किया हुआ है। उसी के साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल को आप चाहे तो इसमें ऑफ ऑन भी कर सकते हो, इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है, तो मैं एक बार ऑफ करके ऑन करके दिखा दे रहा हूँ। तो कोई भी अगर कॉल आ रहा है, किसी का अगर मैसेज आ रहा है या फिर फ़ोन पे कितना बैटरी है, कितना नेटवर्क है, वो आपको इस पोर्शन में, ऐप कनेक्टिविटी कितना है वो आपको इस पोर्शन में देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ इसमें आपको इंडिकेटर की सिग्नल इधर देखने को मिल जाएगी, इधर राइट साइड में इंडिकेटर की सिग्नल, ABS की सिग्नल, यहाँ पे टेल लाइट्स दिया गया है, इधर आपकी हाई बीम की सिग्नल, इधर आपका ट्रैक्शन कंट्रोल की सिग्नल, उसके बगल में है इंजन माल फंक्शन और ऑटो स्टार्ट स्टॉप की सिग्नल आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। यामा की एक छोटा सा लोगो आपको इसमें देखने को मिल जाती है। एंड इस मीटर कंसोल को अगर आपको टॉगल करना है ना, तो बाहर की तरफ आपको इसमें एक मेनू स्विच देखने को मिलती है, कोई डिपर की स्विच नहीं है। इस स्विच को प्रेस करके बेसिकली आप इसमें एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह जो है वो आप चाहे तो चेक कर पाओगे। तो अभी बात करते हैं एरोक्स 155 की प्राइस कितनी है। दोनों वेरिएंट के प्राइस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको इसकी एक शोरूम प्राइस बता दे रहा हूँ, एकदम बेस वेरिएंट की 1,48,500 रुपीज़ के आसपास जो इसकी एक शोरूम प्राइस है। पर्टिकुलर वो आपका ग्रे वर्मिलियन कलर एंड आपका मेटालिक ब्लैक कलर की प्राइस बता रहा हूँ। ऑन रोड प्राइस की अगर बात करता हूँ 1,79,700 रुपीज़ के आसपास आपको बेस वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगी और जो आपका स्मार्ट की वेरिएंट है उसका प्राइस है लगभग 1,83,500 रुपीज़ के आसपास उसकी ऑन रोड प्राइस आपको कोलकाता मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो अभी चलिए फटाफट इसकी राइड रिव्यू स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट आपसे मिलते हैं गोप्रो में। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की राइड रिव्यू फटाफट शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल को जो है ऑफ कर चुका हूँ क्योंकि वीडियो के फर्स्ट में आपको ये एक्सलेशन टेस्ट देखने को मिलेगा और मेरा हाइट है अराउंड 5'8" के आसपास, मेरा दोनों साइड पे इजीली पैर पहुँच रहा है। आपका भी हाइट अगर 5'5" है तब भी आप इजीली इस स्कूटर को राइड कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते, 3, 2, 1 गो। एक छोटा सा एक्सलेशन टेस्ट हो गई एंड 6,000 RPM के बाद से जो इसमें VVA किक इन होती है। ओके गजब, 89 ऑलरेडी, 96, 100 गजब, ओ भाई साहब 107, 110, 111, 12, 13, 14, गजब भाई साहब गजब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजन की अगर बात करें 155cc की सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल SOSC इंजन सेटअप यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे आपको मिलती है 15 PS की मैक्स पावर और बहुत ही स्मूथ इंजन है, बहुत ही रिलायबल भी है। यामा का स्कूटर है तो डेफिनेटली इंजन तो रिलायबल होना ही है एंड मेन बहुत स्मूथ है और आप अगर प्यार से चलाओगे ना, डेफिनेटली आप इस स्कूटर से आराम से आपको 35+ KMPL की माइलेज इस स्कूटर से आप निकाल पाओगे। और लिक्विड कूल इंजन है तो हीटिंग इशू एज सच आपको इस स्कूटर में देखने को नहीं मिलेगा। मैं लगभग 250 किलोमीटर के आसपास इसको ऑलरेडी चला चुका हूँ, लास्ट 5 डेज से इससे चला रहा हूँ। और साइलेंट सेल मोटर है इसमें, तो जब भी आप सेल्फ दोगे ना स्कूटर में आपको कोई वाइब्रेशन महसूस होगा ना इसमें सेल्फ की कोई साउंड आपको सुनने को मिलेगा,
एकदम मतलब आपको लगेगा कि स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हुआ है। हाँ, आइडियल में आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन मिलती है जब स्कूटर खड़ा रहता है स्टार्ट होके, तब आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होगा, बट जब आप स्कूटर को चलाओगे तब आपको जो है कोई भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे ब्रेक सिस्टम की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको मिलती है 230mm की डिस्क एंड सिंगल चैनल ABS के साथ फ्रंट ब्रेकिंग बाइट। एक बार मैं आपको चलिए चेक करा दे रहा हूँ। यहाँ पे 60 के स्पीड पे सामने बम्पर है, देखिए सिर्फ फ्रंट ब्रेक, ये देखिए फ्रंट ब्रेक। फ्रंट ब्रेक एक्चुअली बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही बाइटी इसकी निसिन की कैलिपर है। और रियर ब्रेक की अगर बात करें तो एक बार मैं तो ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ, मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। 60 के स्पीड पर सिर्फ रियर ब्रेक, ये देखिए रियर ब्रेक। रियर ब्रेक एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा कम बाइटी लगा एज कम्पेयर टू फ्रंट ब्रेक। और आप अगर पूरा अप्लाई भी कर दोगे तब भी रियर ब्रेक जो है मतलब रियर जो व्हील है वो स्किट नहीं होगा। एंड आई थिंक फर्स्ट सर्विस के बाद जो है इस ब्रेक पैड को थोड़ा सा और ज़्यादा घिसने के बाद जो है आपको और भी तगड़ा रियर ब्रेक से फीडबैक मिलेगा। बाकी ऑलवेज अगर सामने में डिस विथ ABS है और रियर में अगर ड्रम है, ऑलवेज 70-30 रेशियो में ब्रेक को अप्लाई करना, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। देखिए ये देखिए, आपको ना बहुत ही तगड़ा ब्रेकिंग एक्सपीरियंस आपको हर बाइक से हर स्कूटर से जो है मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो वाइट टायर दिया गया है उसके वजह से इस स्कूटर में कितना चेंजेस हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें आपको सामने में मिलती है 110 सेक्शन की फ्रंट टायर, पीछे में आपको मिलती है 140 सेक्शन की वाइट टायर। तो इस वाइट टायर की वजह से आपको ना बारिश में कोई दिक्कत आएगा, ना कहीं पे अगर बालू या फिर मिट्टी वगैरह पड़ा हुआ है वहाँ पे भी आपको उतना लाइक कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। और बारिश में तो स्पेशली इसकी वाइट टायर की वजह से, उसके साथ साथ इसकी 14 इंचेस की एलॉय व्हील की वजह से कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा और बहुत ही तगड़ा ग्रिप आपको मिलती है इस टायर से। इनफैक्ट जब आप पैनिक ब्रेक कर रहे हो या फिर जब आप हाई स्पीड में स्कूटर को चला रहे हो तब भी आपको एकदम प्रॉपर कॉन्फिडेंस मिलेगा इसको चलाते हुए। इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको थोड़ा सा कम मिलती है, 145mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिलती है, जिसके वजह से आप अगर पिलियन लेके स्कूटर को राइड कर रहे हो या फिर आप खुद राइड कर रहे हो, आप अगर खुद राइड कर रहे हो तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, बट आप अगर पिलियन लेके राइड कर रहे हो तो बम्पर के ऊपर से थोड़ा सा प्यार से निकालो, थोड़ा सा धीरे से निकालो, नहीं तो कभी कभी जो है नीचे टच हो जाती है बिकॉज ऑफ लो ग्राउंड क्लियरेंस। 145mm ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से कभी कभी बहुत शार्प जो बम्पर होती है उसमें जो है कभी कभी पिलियन के साथ टच हो जाती है, ये एक प्रॉब्लम मेरे को दिखा। सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो सस्पेंशन सेटअप एक्चुअली टेलीस्कोपिक है फ्रंट में, और पीछे में आपको मिलती है ट्विन हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर जो नॉन एडजस्टेबल है। बहुत ही कंफर्टेबल सस्पेंशन सेटअप है, एक्चुअली सॉफ्ट साइड पे दिया गया है, हार्ड साइड पे नहीं है या फिर मीडियम हार्ड भी नहीं है। तो सिटी पर्पज़ के लिए आई थिंक ये जो सस्पेंशन सेटअप है बहुत ही कंफर्टेबल है, सॉफ्ट साइड पे दिया गया है। बट यहाँ पे एक शिकायत है, सामने का जो सस्पेंशन है वो 26mm की है जो बहुत ही पतला है एक्चुअली। बाकी इसमें आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर्स भी मिलती है, देखिए ये अभी ऑफ हो चुकी है और जैसे सिग्नल खुलेगा मैं अगर सिर्फ इसको थ्रॉटल दूंगा ऐसे, ये देखिए ऑटो स्टार्ट स्टॉप का सिग्नल जो है ब्लिंक करता है, जैसे मैं ऐसे थ्रॉटल दूंगा ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया और साइलेंट सेल्फ के वजह से आपको कुछ पता भी नहीं चला ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। तो फ्यूल इकोनॉमी भी इसके वजह से आपको थोड़ा सा बेटर मिलेगा। 5.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको मिलती है और पेट्रोल पंप पे आप जब भी जाते हो दूसरा स्कूटर में आपको उतरना पड़ता है, सीट को खोलना पड़ता है, इसको जो है यहाँ से जो इजीली आप इसकी फ्यूल को जो है फुल कर सकते हो, कोई भी आपको ऐसा दिक्कत नहीं आने वाला है। पैर जो है काफ़ी कंफर्टेबल पोस्चर में है, एकदम आगे की साइड है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एकदम आगे की साइड है और स्पेस आपको काफ़ी तगड़ा मिलते हैं। मैं राइडिंग बूट पहन के चला रहा हूँ, मेरे को तब भी बहुत ही कंफर्टेबल यहाँ पे पैर पोस्चर मिल रहा है और स्पेसियस है, नो डाउट स्पेस आपको इसमें मिलती है। यहाँ पे एक छोटा सा ग्लव बॉक्स दिया गया, आपका फ़ोन वगैरह अगर है तो आप उसको चार्ज कर सकते हो क्योंकि 12V चार्जिंग सॉकेट भी मिलती है। हैंडल बार भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है, एकदम प्रॉपर, ज़्यादा वाइड नहीं है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। इनफैक्ट मिरर से भी आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिलती है क्योंकि मिरर एक तो आपका यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू जो है काफ़ी तगड़ा आपको मिलती है, उसी के साथ साथ इसमें आपको कोई भी मिरर में वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलती है। और एक शिकायत मेरे को है वो है इसकी मीटर कंसोल। मीटर कंसोल देखिए नो डाउट फुल्ली लोडेड है, फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल यहाँ पे दिया गया है, बट जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तब यहाँ पे थोड़ा सा देखने में
थोड़ा सा जो है आपको कभी कभी लगेगा यहाँ पे टाइम आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, या फिर VVA जब एक्टिवेट हो रहा है वो ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। मैक्सिमम टाइम तो आपको दिख जाएगा, बट 3 स्टेप लेवल तक जो है आप इसकी ब्राइटनेस को जो है एडजस्ट कर सकते हो। इसमें अगर और लगभग 4 से 5 लेवल तक एक्स्ट्रा मिल जाता देन और भी मीटर कंसोल ब्राइट हो जाता और डायरेक्ट सनलाइट पड़ते भी आपको इजी विजिबल होता। तो इसके मीटर कंसोल जो है थोड़ा सा मेरे को कम ब्राइट लगा, बाकी तो इसमें आपको सारा फीचर्स देखने को मिल जाती है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ इसमें आपको हैजर्ड भी दिया गया है एंड लाइट थ्रो भी इसकी बहुत ही सही है, बहुत ही ब्राइट लाइट थ्रो इसमें आपको मिलती है और रिफ्लेक्टर LED हेडलाइट सेटअप होने के बावजूद इसमें आपको काफ़ी ब्राइट LED हेडलाइट थ्रो देखने को मिलती है। इनफैक्ट नाइट पे भी मैं टेस्ट किया था, प्रॉपर आपको सब कुछ दिखेगा। एंड अभी सीट कंफर्ट की अगर बात करें तो स्पेशली आप जहाँ पे बैठ रहे हो वहाँ पे सीट कंफर्ट आपको काफ़ी तगड़ा मिलती है, क्योंकि आपका सीट का पैडिंग काफ़ी तगड़ा है बट पीछे की पोर्शन का स्पेस जो है वो थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ उसका जो पैडिंग है उस पोर्शन का पैडिंग स्पेशली थोड़ा सा कम है और उसको थोड़ा सा आप अगर आफ्टर मार्केट मॉडिफाई करवा लेते हो देन पिलियन को जो है और भी तगड़ा कंफर्ट मिल सकेगा। बाकी स्कूटर को लेके आप लॉन्ग राइड डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको लिक्विड कूल इंजन मिलती है तो रेडिएटर है, हीटिंग इशू ऐसा जितना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड ये स्कूटर आपको एक बड़ा स्कूटर का भी फील देती है, उसी के साथ साथ ये काफ़ी लाइट वेट भी है। ओनली 126 kg इस स्कूटर की वेट है, तो कोई भी स्कूटर को इजीली चला पाएंगे। तो अभी बात करते हैं क्या आपको 2024 में यामा एरोक्स 155 को लेना चाहिए कि दूसरा कोई 160cc की तरफ जाना चाहिए, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ओके तो चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं इस स्कूटर में मेरे को कौन सी चीज़ अच्छा लगा और कौन सी चीज़ बुरा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों क्या कुछ बुरा लगा मैं उसके बारे में पहले बात करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी जो फ्रंट सस्पेंशन है वो 26mm की है, वो अगर 31mm की भी हो जाती है ना तब भी थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर फीडबैक आपको फ्रंट सस्पेंशन से मिल पाएगा। उसी के साथ साथ इसकी जो मीटर की जो ब्राइटनेस है, जो डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है, ये अगर थोड़ा सा 1 से 2 लेवल अगर इंक्रीज़ हो जाता तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ते भी आपको और भी बेहतर विजिबिलिटी मिलता। उसी के साथ साथ थर्ड जो चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगा वो है इसकी रियर सीट स्पेशली, मतलब सिंगल सीट है बट स्पेशली ये जो रियर पिलियन के लिए जो पोर्शन दिया गया है इसमें पैडिंग एकदम ना के बराबर, जिसके वजह से जब भी स्कूटर गड्ढे में चलती है या फिर बम्पर वगैरह में आप अगर थोड़ा सा स्पीड में उठाओगे देन जो है पीछे वाली जो पिलियन बैठेगी यहाँ पे उनको जो है थोड़ा सा झटका महसूस होगा। और चौथा चीज़ जो मेरे को अच्छा नहीं लगा वो है इसकी रियर जो ड्रम ब्रेक है, 130mm की जो ड्रम ब्रेक है, आई थिंक वो फर्स्ट सर्विस के बाद जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि नया ब्रेक पैड है उसको थोड़ा सा घिसने के लिए टाइम देना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा अगर रब किया जाए आई थिंक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट मेरा जो है लगभग यही चीज़ बुरा लगा। और हाँ प्राइस, डेफिनेटली प्राइस आई थिंक 170 से 172 या फिर 174 भी अगर होता तो और ज़्यादा लाइक वैल्यू फॉर मनी हो जाता, लाइक 160cc जो भी बाइक इस सेगमेंट में आ रहा है लगभग उसका प्राइस 167-170 के आसपास देखने को मिलती है और इसका प्राइस लगभग 180 के आसपास आपको देखने को मिलती है। तो प्राइस अगर थोड़ा सा और कम हो पाता तो और भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो पाता और भी कस्टमर जो है इस स्कूटर को ले पाता, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया स्कूटर है। लाइक इसका अगर अच्छी चीज़ के बारे में बताऊँ तो इसकी हेडलाइट थ्रो जो रिफ्लेक्टर LED जो हेडलाइट थ्रो है काफ़ी कमाल का है, मेरे को तो काफ़ी बेहतरीन लगा। मतलब जो भी रिफ्लेक्टर LED आजकल डेट में देखने को मिलती है उसका लाइट थ्रो बहुत ही बेकार होती है, बट एरोक्स का जो लाइट थ्रो है बहुत ही बेहतरीन है। उसी के साथ साथ इंजन बहुत स्मूथ है, बहुत रिफाइन है, वाइब्रेशन एकदम ना के बराबर, हाई ओ स्टेबिलिटी इसकी बढ़िया है। उसी के साथ साथ आपको सस्पेंशन सेटअप इसमें बढ़िया मिलती है, सिंगल चैनल ABS यहाँ पे कंपनी ऑफर कर दी है। लाइट वेट स्कूटर है तो कोई भी लेडी राइडर भी इस स्कूटर को ईजिली चला पाएंगी। इनफैक्ट सीट हाइट भी लो रखा गया है, 790mm की इसकी सीट हाइट है, तो हर कोई जो स्कूटर को चला पाएंगे। तो 2024 में आपको अगर एक पावरफुल, एक रिफाइन फीचर लोडेड स्कूटर चाहिए देन डेफिनेटली गो फॉर यामा एरोक्स 155। आई थिंक 2024 में दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। प्राइस थोड़ा सा हायर साइड है बट देखा जाए तो सेगमेंट में और कोई है भी नहीं। उसी के साथ साथ लिक्विड कूल इंजन वगैरह है, VVA टेक्नोलॉजी वगैरह है, जिसके वजह से टेक्नोलॉजी की वजह से इसका प्राइस जो है थोड़ा सा हायर साइड पर आपको देखने को मिलती है, बट बहुत ही बढ़िया स्कूटर है, कम्फर्ट आपको नेक्स्ट लेवल मिलती है, लाइट थ्रो वगैरह बहुत ही बढ़िया मिलता है। 2024 में डेफिनेटली आपको एरोक्स 155 लेना चाहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।